इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में फिर एक सांप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल जिले के चांदो गांव में करीब 3 घंटे तक एक सांप का खेल देखने को मिला है। सांप बाइक के सीट के नीचे बैठा देखा गया और फिर वही सांप ट्रैक्टर पर चढ़ गया। उसे देखने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को वहां से हटाया जा सका। मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के चांदो गांव में बीते 7 अगस्त को एक सांप पैशन बाइक की सीट के नीचे बैठा दिखा। ऐसा देख बाइक मालिक हैरान रह गया और फिर बाइक को साइड में खड़ा किया। बाइक की सीट से निकलकर सांप ट्रैक्टर पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद सांप वहां से निकलकर जंगल की ओर गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और बारिश में जंगली जीव जंतुओं से बचने के लिए प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में जशपुर व बलरामपुर जिले में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। सांपों के मामले में जानकारी कैसर हुसैन कहते हैं कि जशपुर में कुल 26 प्रकार के सांपों की प्रजाति पाई जाती है। इनमें से सिर्फ 6 प्रजाति ही जहरीली है, बाकी 20 प्रकार के सांपों की प्रजातियों में जहर नहीं होता। जिले में बारिश और गर्मी के मौसम में सांपों का खासा असर होता है और इस मौसम में सांप बिलों से बाहर आ जाते हैं। जिले में सांपों की अधिकता होने की वजह से सर्पदंश से मौत के मामले भी ज्यादा है। जशपुर को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।